बॅलन्स होऊन शेअर ज्या असंख्य लोकांचा मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टरचा लॉस जो होणार होता तो लॉस होण्यापासून वाचलेला आहे. त्या दृष्टीने ही तारीख खूप चांगली म्हणजे त्याने निवडलेली आहे. याचा एक काय झालं की सगळ्या लोकांचं लक्ष ह्या नोटामुळे अमेरिकेच्या इलेक्शनकडे लक्ष गेलं नाही, ज्याचा समाज जीवनावर परिणाम होणार आहे की त्या ट्रम्प तिकडे निवडून आले पण लोकांना ट्रम्पशी काही देणं घेणं नाही, आपला ड्रम वाजला पाहिजे. पण ज्यानं तिकडे लक्ष दिलं असेल ते इकडे पॅनिक कमी होतील. आई वागे. पण असं एकंदरीत असं आहे की लोकांच्या मनात की थोडी घाई केली म्हणजे आमचा थोडा विचार केला नाही, म्हणजे जे 10-15 हजार कमवणारे लोक आहेत ज्यांना ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन हे माहितीच नाही किंवा ज्यांचे अकाउंट नाही आहेत, जे आता धुणेवाले असतात, धुणे भांडी करणारे लोक असतात किंवा जे गरीब लोक असतात त्यांच्या समजा अकाउंटच नाही आहेत बँकेमध्ये, त्यांनी काय करायचं? त्यांनी त्यांची जी करन्सी आहे, जे 500 नोटा असतील समजा, 1000 नोटा असतील, तर त्यांनी कशा त्या एक्सचेंज करायच्या आहेत? नाही, आता सरकारनं पहिल्यांदा काळजी घेतली की सरकारचं हे प्लॅन्ड आहे सगळं जे चाललं. इवन RBIच्या गव्हर्नरचा चेंज होणे, नवीन गव्हर्नर फेवरेबल येणे, त्याच्यानंतर जनधनमध्ये अकाउंट ओपन करणे, ह्या सरकारनं ही काळजी, ही प्लॅनिंग आधीपासून केलेली दिसती याच्यातून. की आता हे लोक जे त्यांच्यासुद्धा समजा हे 1-2 तारखेला जर झालं असतं तर हे अजून क्रिटिक झालं असतं की त्यांच्या हातात पैसे आल्याने वापरता येत नाही. हे आता ही डेटसुद्धा बघा अशी आहे की तो पगार होऊन गेलेला आहे, त्यामुळं सरकारनं हे योजना करून केलं. आणि ह्या 1000-2000 असेल तर याला ताबडतोब म्हणजे परवा बँक ओपन झाल्यानंतर त्याला लगेचच 2000 विड्रॉ करता येतील बँकेच्या खात्यात टाकून, आणि एक्सचेंज 4000 तर काउंटरवर देऊन पैसे नोटा एक्सचेंज करून मिळतील, तर पोस्टात मिळतील, सगळ्या बँकांमध्ये मिळतील. तर त्यामुळं 1-2 दिवसाचा म्हणजे हा थोडासा कालावधी आहे, या कालावधीमध्ये लोकांना थोडं मॅनेज करावं लागेल, पण 2 दिवसानंतर परिस्थिती सुधारेल. पण सर आता हे तर एक झालं, पण ज्यांच्याकडे खरंच काळा पैसा आहे तर ते असं अशी पळवाट होऊ शकते कदाचित त्यांच्याकडनं की देवस्थानाला जाऊन तो पैसा देऊ शकतात. मग त्यावेळेस काय करायचं? देवस्थानच्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी जर पैसा दिला तर मग त्याचं परत व्हाईट मनी मध्ये रुपांतर होऊ शकतं कदाचित, किंवा देवस्थानला पैसा दिल्यानं त्यांचा मनी व्हाईटच होणार आहे, कारण देवस्थान बँकेत पैसा भरतं मिळालेला, त्यामुळे तो चलनात येतो. देवस्थानला पैसा दिला तर एका अर्थानं तो व्हाईट होतो. पण देवस्थान जर कट शॉर्ट करत असेल की त्यांचा पैसा व्हाईटमध्ये घेऊन त्यांचा पुन्हा त्यांना कॅश परत करणार असेल तर मग मात्र त्याचा पर्पज डिफीट होईल. पण आपण आशा करू की मोठमोठी देवस्थानं असं करणार नाहीत. ते तो पैसा देवस्थानला दिलेला पैसा आपोआप बँकेत जातो देवस्थानातून आणि तो व्हाईट होतो. नाही, मी सरांशी जर थोडासा डिफर होतो की एक गोष्ट, एका व्यक्तीकडे 10 कोटी रुपये ब्लॅक मनी आहे, त्यानं उद्या नेऊन देवस्थानला ते दिले, देवस्थानने बँकेत भरले, तर देवस्थानचं ते उत्पन्न झालं एनएमएस उत्पन्न म्हणून, त्याच्यावर त्यांना 30% टॅक्सही लागेल, देवस्थान टॅक्स भरेल, सरकारचं काम झालं, त्याला टॅक्स भेटला सरकारला. एक दुसरी गोष्ट, इथला ब्लॅक मनी व्हाईट झाला पैसे टॅक्स भरून, देवस्थानचं उत्पन्न वाढलं. परंतु दुसरी पुढची जी गोष्ट आहे की तो पैसा काही रूपाने परत डोनरकडं जाईल हा असा कुठलाच मार्ग नाही आहे. कसा जाईल? कोणत्या मार्गाने जाईल? जाऊ शकत नाही. तर त्यामुळे प्रॉपर डिफेन्स होण्याचं काही कारण नाही, त्याला परत त्यांच्याकडं डोनरकडं तो पैसा जाण्याचा काहीच सोर्स नाही आहे. हां, त्याच्या बदल्यामध्ये त्याला इन काइंड त्याला फायदा देण्यात येईल की बाबा तुम्हाला आम्ही अध्यक्ष अपॉइंट करू 1 वर्षासाठी, हे करू ते करू, असं काही होऊ शकेल. पण तो पैसा वापस त्याला जाऊ शकत नाही कोणत्याच मार्गाने. साखळी कंटिन्यू होणार नाही होऊ शकत. नाही 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 सर, ट्रस्टियों के पास में ठीक है, आपको जो है तो पैसा रिटर्न मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, उनको जो है तो रिस्क रहेगा कि भाई कैसे पैसे वापस लिए जाएं. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो और कोई दूसरा रास्ता जो है तो इख्तियार कर लें, जैसे कि जो है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अकाउंट में जो है तो बहुत कम पैसे होते हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, तो वैसे अकाउंट होल्डर्स को भी जो तो ब्लैक मनी वाले जो तो इस्तेमाल में ला सकते हैं कि भाई अपना पैसा उनके अकाउंट में जमा करवा डिपॉजिट करवाया जाए और बाद में वहां से विड्रॉल कर लिया जाए. एकदम सही है, और ये रिस्क है, रियल रिस्क है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला ही है कि सब लोगों को गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप ऐसी गलत चीज मत करो, आप आपके अकाउंट के थ्रू लोगों का पैसा वाइट करने में मत लग जाओ. तो ये सगळ्या नागरिकांना याच्यात लक्ष ठेवायला पाहिजे की आपण लोकांना काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी मदत करू नये, कारण शेवटी समाज थोडंफार प्रोटेक्शन देतो त्यामुळेच पैसा काळा होऊ शकतो, काळा पैसा वापरला जाऊ शकतो. काळा पैसा असणाऱ्याला प्रतिष्ठा आहे, आणि आपल्या समाजामध्ये काळा पैसा असणारे म्हणून त्याच्याकडे आपली मुलगी देणार नाही, त्याचा प्लॉट घेणार नाही, त्याला देणार नाही, हे नाही आहे. त्यामुळं काळा पैशाला जी प्रतिष्ठा आलेली आहे ही नष्ट व्हायला पाहिजे, याच्यासाठी सगळ्या समाजानं काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या लोकांना मदत करू नये. हे शक्य आहे
की लोक आपल्या नोकराकडून आपल्या नोन पर्सनकडून आपल्या त्यांच्या खात्यात पैसा टाकतील आणि परत घेतील. तर त्यामुळं याच्या बाबतीत सगळ्या नागरिकांना जागरूक राहावं आणि देशाचं काम आहे म्हणून कोणाही माणसाला आपला पैसा आपल्या अकाउंटच्या थ्रू रूट करू देऊ नये. सर कल जब ये निर्णय लिया गया, जब ऐलान किया गया कि भाई रात में 12 बजे के बाद में 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो कई ब्लैक मनी रखने वालों ने इन 3 घंटों में गोल्ड ख़रीदा है और कई चीज़ें खरीद करके जैसे इन्वेस्ट कर दिया है, किसी ने ज़मीनों के सौदे कर लिए हैं, तो ये ब्लैक मनी कैसे बाहर आएगी जो गोल्ड की शक्ल में चली गई या कोई ज़मीन की शक्ल में चली गई? नहीं, इसमें क्या है, गोल्ड परचेस करते वक्त 2 लाख का गोल्ड परचेस करना है तो उसको पैन कार्ड देना है, उसका आइडेंटिफिकेशन आ गया है उसका, उसने गोल्ड परचेस किया वो सेल भी हो गया वो भी उसके नाम पे आ गया, तो वो गोल्ड के परचेस में और इसके आगे भी वो गोल्ड वाला कभी 2 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करेगा क्योंकि उसको भी तो लीगल पॉइंट नहीं. मान लीजिए कि दो लाख अभी कल की बात आप कर रहे हैं कि कल लोगों ने रियल इस्टेट के ट्रांजैक्शन किए हैं, गोल्ड के ट्रांजैक्शंस किए हैं, यहाँ पे ब्लैक मनी है, तो लेकिन ये ट्रांजैक्शन करने से वो आइडेंटिफाई हो गया है कि कौन लोगों ने गोल्ड परचेस किया, किसने रियल इस्टेट परचेस किया, तो ये गवर्नमेंट अल्टीमेटली तो किसके पास भी काला ब्लैक मनी है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इमीडिएट कुछ नहीं करती है. पहले वो पर्सन बैंक में जमा करेगा और बैंक में गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा क्योंकि अभी कोर बैंकिंग में बैंक रिकॉर्ड्स आर एक्सेसिबल टू इनकम टैक्स, तो वहाँ रिकॉर्ड होने के बाद में गवर्नमेंट में कम आउट विथ सम प्लान टू सर्च दिस पीपल. अभी आप 5-10 लाख भरने वाला आदमी भर सकता है बैंक में, बैंक वाला कुछ नहीं बोलेगा, वो खाली उसका आइडेंटिटी रखेगा. वो आइडेंटिटी रखने के बाद में गवर्नमेंट हैज़ ए चॉइस टू सर्च हिम कि ये कहाँ से लाया या गिव हिम नोटिस. लीगल प्रोसीजर करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ मोर ऑप्शन ओपन. तो ये तो बिगिनिंग है. आपके दोनों सवाल जो है ना, पहला वाला भी जो सवाल है कि एक तो ठीक है कि अभी ये क्लियर हो गया कि मंदिर वगैरह जैसे जगह से या ट्रस्ट से पैसा वापस नहीं जा सकता. दूसरा आपने बताया कि ये छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में पैसे भर के ये वापस लिए जा सकते, इस तरह से लाया, तो ये भी आपका जो डर है मन में एक सामान्य लोगों के प्रति, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. वो इसलिए नहीं है कि किसी के अकाउंट में 10,000, 20,000, 30,000 रुपये भर के मैंने उससे वापस मांग लिए, ये जहाँ तक ठीक है छोटी मोटी रकम के लिए, लेकिन ब्लैक मनी वाले जो लोग हैं उसको 10 और 20 हज़ार से तो उसका पेट नहीं भरता, उसका जो है करोड़ों में व्यवहार है, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख कुछ करेगा वो, एक एक के अकाउंट में 5 लाख करेगा तभी उसका कहीं जाके छोटा मोटा काम बनेगा. जो कि गवर्नमेंट का हिट वो है कि मुझे गवर्नमेंट को चाहिए बड़े जो ब्लैक शिप्स है वो उनको पकड़ना है, और वो जो है वो ये नहीं कर सकते. वो इसलिए नहीं कर सकते कि ऑलरेडी इनकम टैक्स में ये प्रावधान है कि आप कोई भी आदमी उसके खुद के अकाउंट में 2 लाख से अगर ज़्यादा रकम की कैश भरता है या साल भर में 10 लाख से ज़्यादा की रकम की कैश भरता है तो उसको कंपल्सरीली नोटिस आती है कि ये पैसा आपने कहाँ से लाया था, ये बताओ इसका सोर्स क्या था, उस दिन कहाँ से पैसा आया था, वो पता नहीं पाएगा. तो अगर ऐसा अगर किसी ने अभी ये किसी को पता नहीं है कि ऐसा ऐसा ये प्रावधान है और इसलिए उसने अगर कर भी दिया तो कल को उसको नोटिस आना है, नोटिस आने के बाद में वो जो ये जो सामान्य आदमी है, ये जो आदमी है वो जब जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको अगर थोड़ा सा धमका के पूछ लिया कि कहाँ से लाया था पैसा, तो वो तो सच सच बता देगा कि साहब ये इन्होंने पैसा दिया था मैंने भर दिया, मेरे को नहीं मालूम क्या था करके, तो ये आने वाला है सामने. ये हो गई एक बात. दूसरी बात जो आपने बताई कि गोल्ड की, गोल्ड की भी जो बात है ना, ये कहा जा रहा है कि लोगों ने कल काफ़ी गोल्ड खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली. एक तो ये ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है, या जिसने किए हैं वो गलत फहमी में किए हैं, जो भी किए वो भुगतेंगे. क्योंकि जिसने अगर कल को 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो कल को उसको प्रॉपर्टी तो रिकॉर्ड पे बताना है और उसकी कैश तो डिस्क्लोज करना है कि कहाँ से आई. और जिसने प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक है, उसने वो रजिस्ट्री 20 करोड़ की कर ली, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, 20 करोड़ की रजिस्ट्री की, 30 करोड़ उसको ब्लैक में पास ऑन कर दिया, ठीक तुम्हारे तो चले गए, लेकिन जिसने लिया वो 500 के नोटे लिया वो क्या करेगा? वो ऐसे ही कोई और एक नया जो है तो बकरा ढूंढेगा. कई कब तक भी वो बकरा ढूंढता रहा, तो अल्टीमेटली एक दिन तो बैंक में जाना है वो पैसा, और जिस दिन बैंक में जाएगा तो वो कैसे जाएगा? ओपन हो ही जाएगा. इतना ही है, मेरी लाइबिलिटी तुम्हारे सर पे जाएगी, मैं अंदर जाने से बचूंगा, तुम्हारे हो ये हो सकता है, बाकी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास तो वो अकाउंट होना ही है उसका. कुठेतरी गवर्नमेंट ऑफिसेस मध्ये जे हे चाललं करप्शन की माझं हे काम करा आम्ही हे देतो, त्याला कुठे आळा बसेल का ह्या निर्णयामुळे? कुठे
की मोठमोठ्या जे डील्स असतात